तो जैसा कि आपके पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, है ना, और 3 पॉइंट से जो रीजन बाउंडेड होगा, दैट मीन्स ट्रायंगल से बाउंडेड होगा, एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 3 पॉइंट से बाउंडेड रीजन ट्रायंगल होता है, और ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दैट इज 1/2 टाइम्स x1 y1 1 एंड x2 y2 1 x3 y3 1 होता है। अब x1 y1 x2 y2 x3 y3 है क्या, तो इन्हीं में से हम एज्यूम कर लेते हैं ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, और ये x3 और y3 है। वैल्यू प्लेस कर दीजिए, एरिया क्या आपके पास है, एरिया 4 दिया गया है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू होता है 4, मतलब ये प्लस माइनस 4 दोनों हो सकता है। आप ये स्टेप बड़े ध्यान से देखिए ना, ये जो यहाँ से निकलता है निगेटिव भी निकल सकता है, पॉजिटिव। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो एरिया होती है, मतलब ये जो वैल्यू है प्लस 4 होगा तब भी 4 आएगा, और माइनस 4 अगर देगा तब भी 4 आएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस 4 क्या है, 1/2 टाइम्स x1 y1 क्या हो जाएगा आपका, k 0 1 4 0 1 एंड 0 2 और 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, सी टू के अबाउट इसे एक्सपेंड कर देंगे, सी टू में मैक्सिमम नंबर ऑफ, सी टू की एंट्री मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 कंटेन करती है, तो लिखेंगे यहां पे एक्सपेंडिंग अबाउट सी टू। हालांकि किसी के अबाउट करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, लेकिन आपके लिए आसान होगा सी टू के अबाउट अगर एक्सपेंड करते हैं तब। तो क्या हो जाएगा, ये एंट्री का रो नंबर क्या है, 3 है, और कॉलम नंबर क्या है आपका, 2 है ना, टाइम्स 2 और माइनर, माइनर क्या हो जाएगा आपका, जिस रो में ये एलिमेंट है वो रो क्लोज जाएगी, जिस कॉलम में वो कॉलम क्लोज हो जाएगा, जो बचा उसे लिख दोगे आप के 4 हो जाएगा 1 1, ठीक है, और ये प्लस माइनस 4 तो है ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट बिकम माइनस 1, तो आपका हो जाएगा, हम इधर लिख दे रहे हैं, दैट इज प्लस माइनस 4 इक्वल्स टू 1/2 और माइनस 1 की पावर 5, मतलब ऑड है, दैट प्रोड्यूस माइनस 1, और ये क्या हो गया आपका 2 टाइम्स, और यहाँ से आ जाएगा k इंटू 1 k और माइनस 4 k माइनस 4, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस हम लोग क्या कर लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू k माइनस 4, दो केस लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, निगेटिव साइन एंड पॉजिटिव साइन। तो अगर माइनस 4 इक्वल्स टू के माइनस 4 लेते हैं तो के इक्वल्स टू 0 आएगा, दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, और अगर टेकिंग पॉजिटिव साइन तो क्या हो जाएगा, के माइनस 4, तो के इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, 8। देयरफॉर देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यू ऑफ के सच दैट द रीजन बाउंडेड कंटेन एरिया 4 स्क्वायर यूनिट, के इक्वल्स टू आइदर 0 और के इक्वल्स टू 8, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा टेकिंग निगेटिव साइन, और यहां पे लिख दीजिएगा टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो दैट इज योर आंसर।